गर्मियों का मौसम आ गया है और ऐसे मौसम के अंदर जब बच्चे बाज़ार जाते हैं और फ्रूट जूसेज़ और शेक्स देखते हैं तरह तरह के बाज़ार में बहुत ही तरह तरह के ये देखिए आप कैंस और पैकेजेस में अवेलेबल होते हैं फ्रूट जूसेज़ और ये देखिए आप शेक्स इतने अट्रैक्टिव क्लासेस के अंदर तो लाजमी है कि बच्चों का मन ललचाएगा ही ललचाएगा तो क्या ये फ्रूट जूसेज़ और शेक्स बच्चों को देने चाहिए क्या ये हेल्दी होते हैं क्या ये अनहेल्दी है तो आज के वीडियो में हम लोग इसी बात के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और सभी पेरेंट्स इस वीडियो को जरूर से देखें ताकि आपको फैक्ट्स का पता चल सके तो सबसे पहले तो देखेंगे कि देखिए फ्रूट्स जूसेस और शेक्स जो है जो पैकेज फ्रूट जूसेस है या जो कैंड फ्रूट जूसेस आते हैं बाजार के अंदर जो ऑलरेडी पैक्ड बॉक्सेस के अंदर आते हैं वो डेफिनेटली दे आर अनहेल्दी दे आर टोटली अनहेल्दी और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों अनहेल्दी है वाई ठीक है देखिए ये तो है फ्रूट्स ठीक है अब आप ये आपके मन में होगा कि भाई फ्रूट्स भी हम बच्चों को खिलाते हैं फ्रूट्स जब फायदेमंद है तो फ्रूट जूसेस क्यों नहीं फायदेमंद और आपका सवाल लाजमी भी है डेफिनेटली कि फ्रूट्स जब फायदा कर सकता है तो फ्रूट जूसेस क्यों नहीं तो इसका कारण आपको मैं बताता हूँ देखिए मोर विटामिन फ्रूट्स अगर आप बच्चों को डायरेक्ट खिलाते हैं तो उनके अंदर विटामिनस और न्यूट्रिशंस और मिनरल्स इनकी मात्रा ज़्यादा होती है बजाय फ्रूट जूसेस के दैट्स इफेक्ट ठीक है दूसरा दे प्रोवाइड मोर न्यूट्रिशन देखिए आप फ्रूट जूसेस देते हैं तो उनके अंदर फाइबर कंटेंट की मात्रा बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है फ़ाइबर्स की अब ये फाइबर्स क्या होते हैं Uh, जब फ्रूट जूसेस बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि मिक्सी के अंदर एक तरफ जूस निकलता है और दूसरी तरफ दूसरा जो एक फ़ाइबर uh, से जो मैश सा निकलता है कि उसका जो है अंदर फ्रूट्स का वो फाइबर कंटेंट होता है वो सारा का सारा हम लोग वेस्ट में फेंक देते हैं फेंक देते हैं ना वही कमाल की चीज़ है फ्रूट्स की फ्रूट्स का जो मेन पार्ट है वो हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं बचा हुआ खाली जो जूस पिलाते हैं हम लोग उसके अंदर बहुत कम मात्रा में न्यूट्रिशन होता है बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये जो फाइबर अब ये फाइबर क्या काम करता है तो ये फाइबर जो है ये बहुत काम की चीज़ है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है डाइजेशन में हेल्प करती है फाइबर लगातार लेने से बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन नहीं होता फाइबर लेने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है डायबिटीज़ वालों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ होती है ओवरऑल फाइबर जो आपकी इंटेस्टाइन को है पूरा का पूरा हेल्दी रखता है आपकी जो गट है उसके अंदर आपके फ्रेंडली बैक्टीरियाज को फ्रेंडली जर्म्स को ग्रो करता है तो फ़ाइबर बड़ी ही कमाल की चीज़ है और वो फ़ाइबर फ्रूट जूसेस के अंदर नहीं होती सिर्फ फ्रूट्स के अंदर होती जो है जो फ्रूट्स तो जहाँ तक हो सके आप अपने बच्चों को डायरेक्ट फ्रूट्स ही खिलाएं फ्रूट जूसेस अवॉइड करें एक बात और है फ्रूट जूसेस जब बनाते हैं तो एक फ्रूट जूस का गिलास बनाने में कम से कम आप देखा होगा सपोज़ कीजिए मौसमी का आपने को जूस बनाना है और मौसमी का जूस बनाने में एक गिलास बनाने में कम से कम पाँच से सात या ऑरेंज का जूस बनाना तो पाँच से सात ऑरेंजेस काम में यूज़ हो जाती है जबकि आप एक ऑरेंज खिलाओ डायरेक्ट बच्चों को एक या दो ऑरेंज खिलाओ तो बच्चों का पेट भर जाता है तो इतनी ज़्यादा सटाइटी होती है डायरेक्ट फ्रूट खिलाने से फ्रूट जूसेज़ में जबकि चार से पाँच ऑरेंजेस का जूस मिला हुआ होता है तो भी उससे उतनी सटाइटी नहीं होती जितनी डायरेक्ट फ्रूट खिलाने से सटाइटी होती है और उसका कारण अगेन है फाइबर्स इसलिए जहाँ तक हो सके आप अपने बच्चों को डायरेक्ट फ्रूट्स ही खिलाना शुरू करें एक चीज़ और है एक कारण और है कि बच्चों को डायरेक्ट फ्रूट्स ही देनी चाहिए जूस क्यों नहीं देना चाहिए और उसका कारण है मोर हाइजीन देखिए जब आप जूस बनाते हैं तो एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है यहाँ मिक्सर के अंदर आपको पहले तो फ्रूट्स काट के फिर आपको मिक्सर के अंदर ग्राइंड करना पड़ता है और उसके बाद फिर उसको उसमें कई चीज़ें मिलाते हैं गिलास के अंदर डालते हैं मिक्सी की सफ़ाई भी करनी पड़ती है क्लीनिंग कभी भी प्रॉपरली होती नहीं बड़ा मुश्किल होता है क्लीन करना तो इन सारे प्रोसेस के अंदर कंटामिनेशन का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कभी भी कंटामिनेशन हो सकता है जम से तो इसलिए फ़्रूट जूसेज यूजली इतने हेल्दी नहीं कहते हम लोग क्योंकि उनके अंदर कंटामिनेशन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन का तो यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न है फिर भी चलिए अब सपोज कीजिए कि आप अपने बच्चों को फ्रूट जूसेस देना ही चाहते हैं तो स्टिल इसकी गाइडलाइंस है आप दे सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तो उन गाइडलाइंस के बारे में आज हम लोग बात करते हैं कि भाई कितना जूस देना चाहिए कब देना चाहिए कैसे देना चाहिए देखिए दो साल से कम का बच्चा अगर है बच्चे अगर दो साल से कम है शिशु है, इन्फेंट्स है तो उनको फ्रूट जूसेस किसी भी तरीके का नहीं देना चाहिए न बाहर का न घर में बना हुआ ध्यान रखें, दो साल से छोटे बच्चों को आपको फ्रूट जूसेस नहीं देना है कोई शेक वगैरह कुछ भी नहीं देना है अगर बच्चे की उम्र दो से पाँच साल का है तो आप डेली आधा गिलास आ, फ्रूट जूसेस दे सकते हैं अगर बच्चा पाँच साल से ज़्यादा का है तो आप रोज़ एक गिलास ठीक है एक गिलास रोज आप फ्रेश फ्रूट जूस दे सकते हैं अब इनका कंडीशन क्या है कि जो जूस दे सकते हैं जो आप मैंने बताया आधा गिलास आप दे सकते हो या एक गिलास दे सकते हो इसके लिए कुछ कंडीशंस है सबसे पहले तो है कि होम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है घर पे बना हुआ ही जूस होना चाहिए बाहर का जूस नहीं देना है कोई कैंड जूस नहीं देना कोई पैकेज फ्रूट जूस नहीं देना है। दूसरा चीज़ वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एकदम ताज़ा बना होना चाहिए पुराना नहीं होना चाहिए और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है शुगर नहीं मिलाना किसी भी तरीके से नो शुगर एडिड बाज़ार के अंदर जो जूसेस बनाते हैं या मिलता है उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट डालते हैं ताकि बच्चों को अच्छा लगे मीठा लगे लेकिन शुगर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है तो आप बच्चों को अपनी अभी से आदत डालें कम से कम शुगर की आदत डालें ये बहुत अच्छा रहेगा उसके आगे भी लाइफ के लिए तो ये तीन कंडीशंस मस्ट है अगर आप अपने बच्चों को फ्रूट जूस देना चाहते हैं अब बात करते हैं शेक्स की शेक्स भी बाहर के शेक्स है बाज़ार में जो अवेलेबल शेक्स है वो आप जहाँ तक हो सके अवॉइड करें आप घर में बना हुआ शेक्स दे सकते हैं घर में आप दूध के साथ आप किसी भी फ्रूट को मैश कर सकते हैं मिक्सी के अंदर और ताज़ा बना हुआ शेक बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है ये आप घर में बनावा दें वही अगेन तीनों कंडीशन आपको फुलफ़िल होनी चाहिए घर पे बना हुआ होना चाहिए फ्रेशली प्रिपेड होना चाहिए और इसके अंदर भी आपको शुगर नहीं मिलानी है नो शुगर शेक्स के अंदर भी आपको कोई शुगर नहीं ऐड करनी तो इस तरह से शेक्स आप दे सकते हैं शेक्स के अंदर एक ख़ास बात ध्यान रखनी है आपकी कोई मिल्क शेक पाउडर या किसी भी तरह का फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो आर्टिफिशियल फ्रूट एक्सट्रैक्ट अवेलेबल है वो आपको यूज़ नहीं करने हैं किसी भी तरीके से यूज़ नहीं करने हैं ठीक है शुगर भी ऐड नहीं करनी है और किसी भी तरह की जो भी इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लेवर्स है पाउडर्स है एक्सट्रैक्ट्स है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि विच इज़ द बेस्ट जूस फॉर चिल्ड्रन और इसका जवाब सुन के आप ताजुब रह जाएंगे विच इज़ द बेस्ट जूस This one, simple glass of water. Yes, सादा पानी This is the best juice, best liquid for children. इससे जितनी satiety मिलती है जितना nutrition मिलता है जितना hygienic होता है ये उतना कोई सा भी juice नहीं हो सकता ठीक है सो so, आज के वीडियो में हमने आपको बताया फ्रूट जूसेज और शेक्स के बारे में इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स की तो बात ही करना बेकार है दे आर टोटली वेस्ट एब्सोल्युटली किसी भी तरीके से पेरेंट्स को बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स प्रमोट नहीं करनी चाहिए किसी भी तरीके से तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कोल्ड ड्रिंक्स शेक्स और जूसेस के बारे में फ्रूट जूसेस के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ थैंक यू